वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। आप सब लोग अपने टॉपिक्स बता रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप टॉपिक्स बताते जाइए। मैंने ये सोचा है कि मैं एक टॉपिक पे, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू बी रिच, आप अमीर कैसे बन सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, मैं इस टॉपिक पे सारे कोचेस, जितने भी कोच ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, बॉब प्रॉक्टर, अब्राहम हिक्स और भी जितने हैं, उनकी वीडियो लेके आऊंगा। फिर ग्रेटिट्यूड, फिर कैसे हम अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं सारी वीडियोस डालता जाऊंगा, सब कोचेस की डालूंगा। इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। अगर आपको ये सही लगता है तो मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ आप ऐसा करिए, क्योंकि तो इससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज लोग बहुत अमीर बनना चाहते हैं और वे ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में पैसा आते रहे। लेकिन मैं सबसे पहला जो सवाल आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि क्या आप लोग अपनी जिंदगी में पैसे को लेकर इनसिक्योर तो नहीं है? आज बहुत से लोग जब पैसे खर्च करते हैं तब वे हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमने ये पैसे क्यों खर्च किए, और वे हमेशा इसका दुख मनाते रहते हैं। अगर आप इस तरह से अपने पैसे को लेकर इनसिक्योर है तो आप पैसे को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी जो आप गलती करते हैं वो ये है कि जब कोई मैनिफेस्ट करता है पैसे तो ये कहता है मैंने तो पैसे मैनिफेस्ट कर लिए, और वो इसे इस तरह से कहते हैं जैसे इसके बाद उन्हें कभी पैसे मैनिफेस्ट करने ही नहीं। देखिए, जो चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसके बाद उससे बड़ी चीज आप और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जितने पैसे आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे चल के आप उससे भी ज्यादा पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपनी आप की लिमिट मत बनाइए और ना ही पैसे को लेकर इनसिक्योर रहिए। आप जो अपने दिमाग में पैसे को लेकर बातें करते हैं उस पर ध्यान रखिए। कभी कभी लोग दिमाग में पैसा आते ही ये सोचने लगते हैं मुझे उसके पैसे देने हैं, मुझे ये पे करना है, मुझे ये पे करना है, मेरे पास क्या बचेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तब आपके पास जितना भी पैसा आ जाए आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सबसे पहली बात, जब आप पैसा खर्च करते हैं उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जब अपने लिए कोई चीज लेते हैं उसको खुशी खुशी लीजिए। पैसे के मामले में इनसिक्योर अगर रहेंगे तो आप कभी भी पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इस चीज को आपको समझना होगा। मैं जब भी पैसे पे बात करती हूँ मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि इनसिक्योर मत रहिए, अपनी कंडीशंस को लेके इनसिक्योर मत रहिए। आप उसको सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं मुझे इतना खर्चा करना है, मुझे ये खर्च करना है, ये इनसिक्योरिटी है। आप पैसे को लेके फ्री है या आप पैसे को लेके इनसिक्योर है, आपको इस चीज के बारे में सबसे पहले सोचना। अगर आप पैसे को लेके फ्री है तो आप आसानी से पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पैसे को लेके इनसिक्योर है तो आपको हमेशा आपके बड़े खर्चे नजर आएंगे। अपनी इनसिक्योरिटी को बदल के इस जगह पे ले जाइए कि जब आप पैसे खर्च करें तो आपको ये टेंशन ना हो कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आप पैसे खर्च करते हुए इनसिक्योर है, अगर आप इस टेंशन में हैं कि यहाँ पे मैंने पैसे खर्च कर दिए, अभी मेरे पास और भी खर्चे हैं, अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है, तो ये आपके खुद के लिए खराब है। जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, पैसे को मैनिफेस्ट करते हैं, उसके बाद आपके लिए और ज्यादा पैसा ब्रह्मांड के पास पड़ा हुआ है, लेकिन फैसला आपका है कि आप ब्रह्मांड को क्या भेज रहे हैं। अगर आप इनसिक्योरिटी भेज रहे हैं तो ब्रह्मांड आपको पैसे नहीं देने वाला। आपको इस यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाना होगा। यूनिवर्स के पास आपके लिए अनंत चीजें हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट करने के लिए आपको इस डर को, इस इनसिक्योरिटी को बदलना होगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आप इस चीज को बदल लेंगे तो आपके लिए पैसे को मैनिफेस्ट करना और किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना आसान हो जाएगा। आज हम किसी को पैसे देने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन उसी की जगह अगर आप किसी फ्री माइंड पर्सन को देखेंगे, उसे पैसे के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसे बनना पड़ेगा, तब आप किसी
तरह से पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पैसे को लेकर इनसिक्योर रहेंगे तो कुछ भी कर लो, आप जितनी मेहनत करेंगे वो बेकार जाएगी।